दोस्तों मात्र एक तरफ ही माना जा रहा था कि एटीएस के सवाल जवाब के बाद में सीमा हैदर को क्लीन चिट शायद मिल जाएगी लेकिन सीमा हैदर के साथ जो सवाल जवाब हुए हैं उसके बाद उसकी चक्कर गिन्नी और ज़्यादा फंसती हुई नज़र आ रही दरअसल सवालों के जवाब तो मिले लेकिन जवाब यदि संतोषजनक ना मिले हों तो और ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर सीमा के साथ भी जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं मिले चाहे वो आईडी की बात हो चाहे वो पासपोर्ट्स की बात हो चाहे वो मोबाइल डेटा डिलीट करने की बात हो सिम को तोड़ने की बात हो अच्छी हिंदी बोलने की बात हो भारतीय परिधान पहनने की बात हो एक एक चीज हर चीज हर के ऊपर एक अलग लेवल का संशय बना हुआ है ऐसे में आप कुछ सवाल जवाब निकल कर सामने आए हैं इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से सीमा हजर पाकिस्तान के सिंध इलाके से अपना घर बार बेहिचक छोड़कर भारत आई है उसको देखकर कई लोगों को दिक्कत है दरअसल इसके बाद उसने अपने पति गुलाम हैदर को लेकर तमाम दावे किए कि वो उसके साथ मारपीट करता था पाकिस्तान तो में महिलाओं की हालत को लेकर भी उसने कई बातें कही सीमा और सचिन की शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई इन सब के केंद्र में है भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल वही मुल्क जिसकी सीमा हैदर ने भारत में आसानी से घुसने के लिए रास्ता बनाया सीमा ने कभी दावा किया कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी गई तो कभी कहा कि होटल में शादी करी मीडिया जब नेपाल के चप्पे चप्पे पर सीमा हैदर को लेकर जानकारी जुटा रही थी तब कई सारी बातें पहुंची जैसे कि नेपाल में उसने कहां कहां झूठ का सहारा लिया और कैसे आसान तरीके से भारत पहुंची सीमा और सचिन ने दावा किया कि दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्थित गोवेश्वरी मंदिर में शादी की जब जाँच करी गई तो इस, इसी के तहत इस मंदिर की भी कई सारी बातें निकल सामने आई और यहाँ सीमा और सचिन का ब्यौरा बिल्कुल भी नहीं मिला यहाँ एक बोर्ड भी लगा था कि सिर्फ हिंदुओं को यहाँ पर एंट्री मिलती तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यहाँ सीमा ने अपनी पहचान छुपाई कैसे जब और ज़्यादा तफ्तीश हुई तो और ज़्यादा बातें निकल कर बाहर सामने आने लगी जैसे कि सीमा यादर ने वहाँ बार बार झूठ का सहारा लिया और ढीली सुरक्षा का फ़ायदा उठाकर भारत में दाखिल हो गई सीमा चार बच्चों को लेकर अवैध रूप से नेपाल से भारत की सीमा में दाखिल हुई अब सीमा भारत में रहेगी या उसे पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा ये भारतीय कानून को तय करना है लेकिन साफ पाकिस्तान लौटने से वो इनकार कर रही है सीमा कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी अगर जाना ही पड़ा तो उसकी अर्थी पाकिस्तान जाएगी ए की पूछताछ के बाद सीमा से सवाल और भी किए गए और ये जानने की कोशिश करी गई कि सीमा के मन में आखिर चल क्या रहा है सीमा ने जिस तरीके से सवाल जवाब किए वो काफ़ी ज़्यादा हैरत में डालने वाले थे पहला सवाल तो यही था कि ए ने आखिर उससे क्या कुछ बातें करी जिसको कि उससे सबसे ज़्यादा शक जिन बातों पर था तब उसने बताया कि शक तो उनको मुझ पर था ही उनको पूरा शक था जो भी मैं सच था मैंने उनको सब बताया गांव से लेकर कराची तक कराची से लेकर यहां तक का सब कुछ सच बता दिया आगे जो होगा पता चल जाएगा इसके अलावा बात करी गई कमरा नंबर 204 की कि होटल विनायक यहीं पर वो ठहरी थी नेपाल में तो ऐसे बंद नाम बदल कर क्या लिखवाया तो होटल वाले झूठ बोल रहे हैं ऐसा सीमा ने कहा उसने कहा कि ना उन्होंने हमसे नाम लिखवाया और वहाँ कोई सख्ती भी नहीं वो खुद को बचाने के लिए अब यही कहेंगे वो लोग हमसे हर रोज़ सुबह नेपाली पाँच सौ लेते थे एक और सवाल ये उठता है कि क्या आपने अपना नाम प्रीति लिखवाया था क्योंकि होटल में कई लोग ये चीज़ बोल रहे हैं तो ऐसे में बताया गया कि कभी भी प्रीति नाम नहीं लिखवाया मेरा नाम ही लिखवाया मैंने और उनको ये पता भी था उन्होंने हमारा नाम कभी लिखा ही नहीं ना उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था और इनसे मतलब कि सचिन ने ही होटल वालों को बताया था कि ये मेरी पत्नी है और वही यहाँ रहने आएगी इसके बाद बात उठती है कि होटल विनायक के मैनेजर ने बताया कि आप पब और बार में भी जाना चाहती थी तो ऐसे में इनका जवाब आया कभी भी नहीं मैंने कभी भी ऐसी जगह जाने की बात नहीं करी घर पर मेरे बच्चे थे तो ऐसे और कैसे कर पाती हमारे पास सिर्फ सात दिन थे और मुझे वापस भी जाना था हमने वहाँ हंसते खेलते दिन बिताए बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पर ये मतलब सचिन ये जुमे थे और मैं इनसे मिलने गई थी ऑब्वियस ही बात है ऐसा तंग मेरे मन में नहीं था कि मैं इंडिया जाऊँगी इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर भी आ, सवाल उठता है कि हिंदू की शादी वहाँ पर होती है तो यहाँ पर सीमा हैदर की शादी कैसे हो गई इन्होंने कहा कि मैं हिंदू और मैं पिछले एक साल से हिंदू लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ आकर हिंदू बनने का नाटक कर रही हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी पर वहाँ खुलकर नहीं रह सकती थी क्योंकि अगर मैं वहाँ बता देती कि हिंदू बनना चाहती हूँ तो मुझको वहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ते ऐसे में इनके भाई को लेकर सवाल उठता है कि वो पाकिस्तानी सेना में काम करता है इसके ऊपर इन्होंने कहा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब मैं और सचिन मिले थे तब वो मतलब किसी में का जो भाई था वो मजदूरी करता था वो बारहवीं तक पढ़ा हुआ है उसको कोई काम नहीं मिल रहा था फिर मेरे पिता की मौत के बाद वो ड्यूटी पर लगा वो भी एक आम सिपाही जितनी शक की नज़र से उन्हें देखा जा रहा है उनकी इतनी औकात नहीं है उनसे मेरा ताल्लुक भी नहीं क्योंकि मैं शादी जुदा थी और मैं पूरी तरह से अलग रहती थी बात यह भी निकल कर सामने आई कि भारत में सेना से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया पर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी इसके ऊपर मोहतरमा का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं फेसबुक तो चला ही नहीं रही मेरे पास फ़ोन भी नहीं है मेरी आईडी में पांच फ्रेंड थे सचिन और सचिन के क्लोज़ फ्रेंड अब मेरी आईडी पर लाखों लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है मेरे नाम से कई लोगों को आईडी बना ली है मैंने एक को भी अब तक फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी है मेरी आईडी किसी और के फ़ोन में लॉग इन है तो उन्होंने शायद एक्सेप्ट करी होगी कोई भी साबित नहीं कर सकता मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजी हो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम चलाया था और वो फेसबुक से लिंक जाहिर सी बात है यहाँ पर एक एक, एक तबका है जो कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर की बातों को सच मान रहा है लेकिन फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इन बातों के सामने कहीं ना कहीं अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पा रहे मेरे सुनी फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत